न्यूज नाइट के प्रस्तुत करता है BSNL हिंदुस्तान बोल रहा है। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। 1993 के मुंबई बम धमाकों के गुनहगार याकूब मेनन की ओर से दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी उसकी दया याचिका ठुकरा दी है। राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका पर गृह मंत्रालय से राय मांगी है। अब इंतजार है सिर्फ राष्ट्रपति के पास याकूब की जो दया याचिका है उस पर फैसले का। न्यूज नाइट में आज हम इस पूरे मामले पर करेंगे बातचीत, जिसमें हमारे साथ दो वकील जुड़ेंगे, एक मुंबई से और एक दिल्ली से। इन दोनों से हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अगली खबर, पूर्व राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर आज उनके गृहनगर रामेश्वरम पहुंचा है। डॉ कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग रामेश्वरम पहुंचे हैं। इससे पहले दिल्ली में तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। सभी गणमान्य लोग वहां भी मौजूद रहेंगे। और खबरों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन देखते हैं 8 बजे की अभी तक की सुर्खियां क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बम धमाकों के आरोपी याकूब मेनन की फांसी पर लगाई आखिरी मुहर। डेथ वारंट पर रोक और क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई में खामी से जुड़ी याचिकाएं की खारिज। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी खारिज की याकूब की दया याचिका। राष्ट्रपति के पास लंबित याचिका पर फैसले का इंतजार। नागपुर जेल के आसपास बढ़ी सुरक्षा। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को आखिरी विदाई देने रामेश्वरम में उमड़े लोग। कल होगा अंतिम संस्कार। PM नरेंद्र मोदी, तमाम VVIP सुपुर्द-ए-खाक के दौरान रहेंगे मौजूद। PM ने ज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति बनाने के डॉ कलाम के सपने को पूरा करने का जताया संकल्प। डॉ कलाम के आदर्शों के अनुरूप समावेशी आर्थिक विकास पर जोर। गुजरात, राजस्थान और झारखंड में भारी बारिश का कहर। गुजरात के कई भागों में बाढ़ जैसी स्थिति। राहत में लगी NDRF और वायुसेना। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से स्थिति के बारे में ली जानकारी। मुंबई के ठाणे इलाके में इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत, 10 घायल। 35 साल पुरानी थी 4 मंजिला इमारत। नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से झटका। अदालत ने बढ़ चला बिहार कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में मंत्रियों की तस्वीर के इस्तेमाल पर लगाई रोक। नीतीश ने कहा, अदालत के फैसले का करेंगे सम्मान। विसिल ब्लोअर अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और मानवाधिकार कार्यकर्ता अंशु को मिल रहा है मैग्सेसे अवार्ड। '93 के मुंबई बम धमाकों के गुनहगार याकूब मेनन की फांसी तकरीबन तय हो गई है। एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ओर से दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं, वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी उसकी दया याचिका ठुकरा दी है। अब इंतजार है तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास याकूब की दया याचिका पर। मुंबई 93 धमाकों के दोषी याकूब मेमन और फांसी के फंदे के बीच अब कुछ ही घंटों का फासला रह गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने याकूब की सभी दलीलों को ठुकरा दिया। दिनभर चली सुनवाई के बाद जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस PC पंत और जस्टिस अमिताभ घोष ने टाडा अदालत द्वारा जारी डेथ वारंट में अनियमितता की दलीलों को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने 21 जुलाई को याकूब की क्यूरेटिव याचिका रद्द करने वाली पीठ के गठन में प्रक्रियागत खामी की बात को भी अस्वीकार कर दिया। दया याचिका लंबित होने के मामले में अदालत ने कहा कि इस पर अंतिम फैसला कार्यपालिका को लेना है। ऐसे में अदालत की ओर से सजा पर रोक का कोई कारण नहीं दिखता। याकूब मेनन की याचिका खारिज कर दी गई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उन्होंने कहा कि जो डेथ वारंट है वो इन ऑर्डर है
इसके पहले जो क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइड किया गया था 3 जज द्वारा वो सही है और इनकी रिट पिटीशन जो फाइल हुई थी उसको खारिज कर दिया है। याकूब की इन दलीलों को लेकर 2 जजों वाली पीठ के एक राय न होने के बाद इसे सुनवाई के लिए 3 जजों की पीठ को सौंपा गया था। हालांकि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही राज्यपाल ने याकूब की दया याचिका को रद्द कर दिया। याकूब की ओर से पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव को दया याचिका दी गई थी। इस फैसले के कुछ देर बाद ही महाराष्ट्र के DGP संजीव दयाल और मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया ने मुंबई के विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इसमें फांसी से जुड़े घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। फडणवीस का कहना है कि कानून अपना काम करेगा। फैसले का कानून से जुड़े जानकारों और बम धमाकों के पीड़ितों के परिवारों ने स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली हेल्ड दैट द डेथ वारंट इश्यूड बाय द डेसिग्नेटेड कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर ताड़ा इन अप्रैल 2015 इज लीगल एंड वैलिड। अगर उसको फांसी मिला मैं तो बोलते लेट हो गए। जो हमने आंखों से देखा एक एक की मौत, इतने लोगों को मारने के बाद इतना साल क्यों लगा, यह हमारा सबसे बड़ा सवाल है। कभी खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब गुरुवार सुबह 7 बजे नागपुर जेल में मेमन को फांसी दी जाएगी। याकूब मेमन को नागपुर के जेल में फांसी देने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जेल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर संभालने के लिए अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। जेल के प्रवेश द्वार से पहले ही कुछ दूरी पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इस बीच फांसी से पहले याकूब के भाई सुलेमान और उस्मान मेमन नागपुर जेल पहुंचे। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट याकूब मुंबई बम धमाकों की साजिश रचने वालों में से एक है। उसे 2007 में टाडा अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने 2013 में बरकरार रखा था। इसके बाद याकूब ने पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे 30 जुलाई 2013 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद 11 अप्रैल 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी याकूब की दया याचिका को रद्द कर दिया। 9 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की दूसरी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी। याकूब ने क्यूरेटिव याचिका दायर कर इन फैसलों को चुनौती दी, लेकिन 21 जुलाई को उसका आखिरी कानूनी विकल्प भी समाप्त हो गया। इन सभी गतिविधियों के बीच 30 अप्रैल को टाडा अदालत ने फांसी के लिए वारंट जारी कर 30 जुलाई को फांसी दिया जाना तय किया। हालांकि याकूब को इसके बारे में 13 जुलाई को जानकारी दी गई। इसी के आधार पर याकूब ने वारंट की वैधानिकता को भी चुनौती दी और क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ के गठन की प्रक्रिया को भी गलत बताया। लेकिन इन दलीलों के खारिज होने के साथ ही 2 दशक तक चली कानूनी कार्रवाई अपने अंतिम नतीजे तक पहुंच चुकी है और अब याकूब और फांसी के बीच कोई कानूनी बाधा नहीं बची है। विकास सारथी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। इस पूरे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं प्रशांत कुमार, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। प्रशांत, आपका स्वागत है। मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण कनाल, जो कि मुंबई हाई कोर्ट में वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ में हमारे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विकास, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं। क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर भी जिस तरह का विवाद हुआ और फांसी की तारीख की जब से घोषणा हुई उसके बाद से जिस तरह से उस पूरी प्रक्रिया में कई पेच फंसाए गए हैं, कई पेच आए, उनका भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत समाधान किया गया है। क्या लगता है, राजनीति एक तरफ लेकिन न्यायिक प्रक्रिया ने सारी चीजें बहुत साफ कर दी हैं अब? बिल्कुल ऋतु, करीब सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से मामला चल रहा है। 2007 में अपील पर सुनवाई के लिए याचिका दायर होने के बाद अब तक कई चीज़ों पर सुनवाई हुई है। पहले अपील पर, अपील के बाद रिव्यू पिटीशन, इसके बाद एक संविधान पीठ ने सुनवाई की जिसमें याकूब मेमन ने यह मसला उठाया था कि उसकी रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट हियरिंग होनी चाहिए उसकी, और उसके वकीलों को एक बार फिर पूरा दलीलें रखने का मौका दिया जाना चाहिए, ना कि चैम्बर्स में इस पर सुनवाई हो। तो संविधान पीठ ने उस पर फैसला दिया और याकूब के पक्ष में फैसला दिया था। इसके बाद एक बार फिर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हुई याकूब के, जिसमें उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। क्यूरेटिव पिटीशन रद्द हुई, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन के में भी तकनीकी खामियों को लेकर याचिका दायर हुई और जिसकी भी 2 पीठों ने सुनवाई की, पहले 2 जजों की बेंच ने और आज 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। तो जितने लीगल रेमेडीज, जितने विकल्प मौजूद थे कानूनी, उन सब का इस्तेमाल याकूब मेमन की तरफ से किया गया। लेकिन आज की जो बहुत अहम सुनवाई थी, जो पूरा दिन चली 10:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे कोर्ट ने आदेश लिखाना शुरू किया, इसमें
ये बात साफ की गई कि अब इस स्थिति में जो बात कही जा रही है याकूब मेमन की तरफ से, तकनीकी पहलू उठाया जा रहा है, उसको अब एंटरटेन नहीं कर सकता कोर्ट, क्योंकि जितनी भी लीगल रेमेडीज थी वो सब एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। कानूनी जो प्रक्रिया थी वो रिव्यू पिटीशन, तकनीकी रूप से रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद ही इसमें बहुत कुछ बचा नहीं था, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन, क्योंकि मौत और जिंदगी का मामला है, एक मौका और दिया गया था और इस पर पूरे दिन बहस चली और दोनों पक्ष से, चाहे वो याकूब के वकील राजू रामचंद्रन हो या महाराष्ट्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी हो, सबको पूरा मौका दिया गया और सारी बातें सुनने के बाद तीनों जजों का एक ही मत था कि इसमें अब दोबारा सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन पर जो सुनवाई हुई वो ठीक थी, बेंच का गठन ठीक तरीके से हुआ था और जहां तक डेथ वारंट की बात है उसमें भी कोई इस तरह की देरी नहीं हुई है जिसके आधार पर फांसी की सजा पर इस वक्त रोक लगाई जाए। बिल्कुल विकास, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले दो बेंच पे जो सवाल हुआ उसके बाद तीन जजों की बेंच बनाई गई और फिर आज ये याचिकाएं खारिज की गई हैं, सुनवाई हुई है। हम रुक करेंगे लक्ष्मण कनाल साहब का जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई हाईकोर्ट में वकील हैं। सर, 22 साल तक ये मुकदमा चला है, तमाम कार्रवाइयां हुई हैं, न्याय प्रक्रिया की पूरी एक प्रणाली थी जो इतने सालों तक चली है, 257 लोग इसमें मारे गए हैं, एक लंबी प्रक्रिया रही। क्या आपको लगता है ये जो दलीलें दी जा रही थी कि कुछ कानूनी कुछ न्यायिक पहलू रह गए और दूसरी तरफ से सुनवाई नहीं हुई, याकूब मेनन के कुछ पहलू रह गए, इनकी अब कोई जगह बाकी रह गई है? रितु जी, देखिए ना, हमारा जो सिस्टम है, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जो भी कंक्लूजन आने के बाद में भी हर अक्यूज को ये सिस्टम पूरा ऑप्शन देता है हर चीज़ का एक्सरसाइज करने का। उस एक्सरसाइज में भले ये केस बड़ा सीरियस केस है जिसमें 257 लोगों की मृत्यु हुई, करीबन 1015 लोग सीरियसली इंजर्ड हुए, कितने घर इकोनॉमिकली डेस्परेट हो गए, जिनकी जो कमाने वाले थे वो नहीं रहे और इकोनॉमिकली उन लोग को बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, बट फिर भी हमारे इस सिस्टम में ऐसा है कि हर ऑप्शन को चांस दिया जाए, हर अक्यूज को हर ऑप्शन दिया जाए, हर बार सुनाई दी जाए। अभी इस मामले में जो अक्यूज को ऑप्शंस हैं डिफेंस के या एप्लीकेशंस करने में, भले उनको मेरिट्स हो नहीं हो बट वो ऑप्शन उनके पास रहते हैं और वही ऑप्शंस यूज किए जा रहे हैं, बट वो ऑप्शंस में कितना तत्व है, कितना मेरिट्स है, कितना सुनाई जाने के बाद, वकील साहब, 2006 में सजा सुनाए जाने के बाद किस तरह के विकल्प थे और उन विकल्पों के फिर किस तरह से याकूब मेनन उनके वकीलों ने काम किया? नहीं देखिए रितु जी, इसमें ऐसा है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हर अक्यूज को दिए गए हैं। वो राइट्स ऐसे हैं कि आफ्टर कंक्लूजन, कन्विक्शन होने के बाद में, जजमेंट आने के बाद में, अक्यूज को पूरा ऑप्शन है, ही कैन गो इन अपील, अपील जा सकता है, अपील के बाद में उनको रिव्यू पिटीशन हैं, उनके बाद में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद में आप अगेन मर्सी पिटीशन कर सकते हैं गवर्नर के पास, आप मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास कर सकते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो एक्सरसाइज किए जा रहे हैं और वो उसमें कोई उनकी बंदिश नहीं है, बल्कि उन एक्सरसाइज राइट्स करने में उनको मेरिट्स हो न हो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके वजह से ये डिले होता जा रहा है। तो 8 साल के बाद राज्यपाल को एक बार फिर मर्सी पिटीशन देने के पीछे क्या उद्देश्य आपको लगता है? देखिए ऐसा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है, टिल दैट जजमेंट, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द जजमेंट इज देयर, टिल इट इज एग्जीक्यूटेड, दैट राइट इज ऑलवेज रिमेन विद द अक्यूज टू एक्सरसाइज दैट राइट फॉर द मर्सी पिटीशन। आज वो मर्सी पिटीशन का एक्सरसाइज किया जा रहा है, दो जज की बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने रिजेक्ट किया, आज 3 जजेस बेंच ने रिजेक्ट किया, बट आज जो उनके पास फाइनल राउंड है वो है जो प्रेसिडेंट के पास जो मर्सी पिटीशन पेंडिंग है और उसके अलावा इनके पास और कोई रेमेडी नहीं है। जी, रुक करते हैं, दिल्ली में हमारे साथ प्रशांत कुमार मौजूद हैं। प्रशांत, आप सुप्रीम कोर्ट में आज भी थे, आपने पूरी दलीलें भी सुनी होंगी। जो दलीलें दी जा रही हैं लगातार, जिस तरह से क्यूरेटिव पिटीशन पे पहले सवाल उठा दिया गया, फिर उस पर जो फैसला हुआ उस पर सवाल उठा दिया गया, राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन एक बार 2014 में 11 अप्रैल को खारिज हो चुकी है, फिर राज्यपाल को पिटीशन देना, राष्ट्रपति को पिटीशन देना, आखिर ये किस कारण से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि फाइनल एग्जीक्यूशन तक, जब तक आखिरी श्वास है, अगर किसी भी डेथ रो कन्विक्ट को कोई भी रेमेडी अवेलेबल है तो उसे उसका संवैधानिक अधिकार है। तो ये संवैधानिक अधिकार क्या आज की जितनी पिटीशंस थी जो खारिज हुई हैं, अब उसके बाद ये खत्म होता है सिलसिला या अभी भी कोई और विकल्प है? नहीं, अब जो महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जो दया याचिका, वो जो याचिका है उस पे फैसला फाइनल है, उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन
इसको आप इस नजरिए से देखिए कि ये जो सारा प्रोसेस है ये यह दर्शाता है कि भारत में संविधान का शासन है, विधि का शासन है जिसे रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, उसका शासन है कि जिसमें एक कंडेम्ड व्यक्ति, चाहे मुंबई ब्लास्ट के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई वो हुई, इन चीजों को सब परे रखकर हर न्यायिक प्रणाली जो कि अनुच्छेद 21 के हिसाब से अवेलेबल है, जो प्रोसीजर्स हैं, उनका पूरा पालन हुआ। और यह पालन होना हमारी न्यायिक प्रणाली, हमारे संविधान की परिपक्वता को दर्शाता है। तो इसमें ये सोचने की जगह कि ये इतनी क्यों अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं या वकील बार बार जाके क्यों गुहार लगा रहे हैं, देखिए ये जीवन और मौत का फैसला है। और जो प्रक्रिया एक डेथ रो कन्विक्ट के लिए है वो सबके लिए है, तो उस वजह से जो हुआ है अब फाइनल है। लेकिन किसी को कोई भी उंगली उठाने की नहीं रहे कि भारत में न्यायिक प्रणाली में पूरे जो एक डेथ, एक जीवन और मृत्यु के प्रश्न पर जो जो चीजें हैं वो किसी एक को दी गई, दूसरे को नहीं दी गई, ऐसी कोई उंगली नहीं उठ सकती। तो मेरे हिसाब से जो अब तक हुआ है वो भारत की प्रणालियों की परिपक्वता को दर्शाता है। 30 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है याकूब की फांसी की। अभी राष्ट्रपति के पास जो याचिका है उस पर फैसले का इंतजार है। उस फैसले का इंतजार और सुबह तक अगर उसमें देरी होती है फैसले में, तो क्या क्या चीजें तकनीकी हैं जो बीच में आएंगी? देखिए ये तो बहुत क्लियर है कि कोई भी अगर प्रणाली रह गई है तो उसका खत्म होना और पालन होना आवश्यक है। तो इसलिए महामहिम के पास जो दया याचिका है, क्योंकि देखिए दया याचिका पहले भी खारिज हुई, उसे जो है नहीं माना गया, लेकिन ये दया याचिका जो है फिर दी गई कि एक बार क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो डिसमिस हो गई, उसके बाद फिर दी गई है कि मुझे वहां से मेरे सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, मेरे लिए एक दया का दरवाजा अभी वापस है, उसे मैं खटखटाना चाहता हूं। तो इसीलिए उसका इंतजार है। नागपुर जेल प्रशासन को भी लगातार इंतजार होगा, सबको होगा, क्योंकि ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, ये कोई मैकेनिकल एक्शन नहीं है। तो इसलिए जो भी प्रक्रिया है वो पूरी होनी लाजमी है और उसके लिए सबका इंतजार करना लाजमी। बिल्कुल, जैसा कि हमारे तीनों ही हमारे संवाददाता और दोनों मेहमानों का कहना है कि भारत के संविधान में न्यायिक प्रक्रिया में पूरा मौका उस आरोपी को भी दिया जाता है कि वो अपनी बातों को अंतिम समय तक पूरे तरीके से रखे। और 22 साल के इस पूरे लंबे अंतराल में ये बहुत साफ हुआ कि इतने सारे लोग जो मारे गए थे इस बम कांड में और उससे जुड़े तमाम लोग जो आरोपी थे उनकी सुनवाई में एक लंबी प्रक्रिया लगी है और अब कोर्ट जाके एक निष्कर्ष पे पहुंची है जिसमें अब सिर्फ इंतजार है कि राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका याकूब मेनन की है उस पर कुछ फैसला आ जाए। 30 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है याकूब मेनन के फांसी की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का डीडी न्यूज के साथ जुड़ने का। प्रशांत आपका, लक्ष्मण जी आपका मुंबई से और विकास आपका भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए न्यूज नाइन। Hello and welcome to News Night for the day's biggest news stories and analysis. The mortal remains of former President Dr. APJ Abdul Kalam were today brought to his hometown, Rameshwaram, as a large number of people converged to get a last glimpse of the departed leader. In another news, Supreme Court has dismissed Yakub Abdul Razak Memon's plea against his scheduled execution tomorrow in 1993 Mumbai blast case. The apex court has said that the issue of death warrant is in order. We'll be getting you all the news and day's other big stories. I am Nancy Kohli. Let's begin with the headlines. Supreme Court dismisses Yakub Memon's plea against his execution tomorrow in 1993 Mumbai blast case. The apex court also says the issue of death warrant is in order. Maharashtra governor dismisses Yakub Memon's plea. All eyes on the mercy petition pending with the president. Security around Nagpur jail tightened.
People throng in large numbers to pay their last respects to former President Dr. APJ Abdul Kalam. Last rites will be performed tomorrow. Prime Minister Modi and other VVIPs will be present. Prime Minister pays rich tributes to former President Dr. APJ Abdul Kalam, calling him a rare combination of science, education and morality, terming Dr. Kalam his margdarshak, says his achievements will inspire the coming generations. Heavy rain in Gujarat, Rajasthan and Jharkhand, flood-like situation worsens in Gujarat. The NDRF involved in rescue operation. Home Minister Rajnath Singh speaks with Gujarat Chief Minister to assess the situation. 9 persons killed, 10 others injured after a 4-story building collapses in Thane. The building was built 35 years ago. Setback to Nitish Kumar from the High Court in its interim order puts a stop on carrying pictures of Nitish Kumar and other ministers in the Bharat Chala Bihar program of the state government. Nitish Kumar says will respect the court's decision. Whistleblower officer Sanjeev Chaturvedi and human rights activist Anshu Gupta are the two Indians selected for this year's Magsaysay Award. Supreme Court has dismissed Yakub Abdul Razak Memon's plea against his scheduled execution tomorrow in 1993 Mumbai blast case. The apex court said that the issue of death warrant is in order and that it does not find fault with the issuance of death warrant by the Tada court. Time is the only element which is now standing between the 1993 blast convict Yakub Memon and the gallows. And that too is ticking away fast. The apex court refused to stay the execution slated for Thursday and with it rejecting his last-ditch plea to escape death. The three-judge bench of Justices Deepak Mishra, P.C. Pant and Amitav Ghosh rejected the appeal. The court observed that there was no legal fallacy in the issuance of the death warrant by the Tada court in Mumbai on the 30th of April, scheduling Yakub's execution for Thursday in the Nagpur Central Jail. The court also said that dismissal of curative petition by senior most judges of the Supreme Court cannot be faulted and was therefore correct. The court also declined to go into the mercy petitions pending at that time. याकूब मेनन की याचिका खारिज कर दी गई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उन्होंने कहा कि जो डेथ वारंट है वो इन ऑर्डर है. इसके पहले जो क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइड किया गया था थ्री जज द्वारा वो सही है और इनकी रीट पिटीशन जो फाइल हुई थी उसको खारिज कर दिया. All points raised by याकूब were part of his appeal filed before the two member bench of the Supreme Court on Tuesday. The bench could not arrive on a majority view, which necessitated referral to a larger bench. The governor of Maharashtra, C. Vidyasagar Rao, subsequently rejected his mercy plea. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has said that the law will take its own course. Legal pundits and families of the victims have welcomed the decision. Supreme Court has clearly held that the death warrant issued by the designated court constituted under Tada in April 2015 is legal and valid. अगर उसको फांसी मिला मैं तो बोलता हूँ लेट हो गया. जो हमने आंखों से देखा एक एक की मौत इतने लोगों को मारने के बाद इतना साल क्यों लगा यह हमारा सबसे बड़ा सवाल है. The stage now seems to be set for the hanging of the culprit in the Nagpur Central Jail at 7 a.m. on Thursday. Security has been tightened in and around the jail and barricades put up to the road leading to the central prison. Yakub's family members also visited him in the jail. Yakub will face the gallows almost 21 years after he was arrested. He was convicted as a main conspirator of the Mumbai serial blasts. The Tada court gave him a death sentence in 2007. Subsequently, the sentence was upheld by the two-judge Supreme Court bench in 2013.
Yakub filed a review petition which was rejected on the 30th of July in 2013. President Pranab Mukherjee rejected his mercy plea on the 11th of April in 2014. Supreme Court rejected his second review on the 9th of April in 2015. Yakub filed a curative petition as a last legal resort, but that too met with the same fate on the 21st of July. Meanwhile, on 30th April, the Tara Court fixed 30th July as the date for execution of the death warrant. Yakub got the warrant on the 13th of July, and he further appealed against legality of the death warrant and also questioned the composition of the bench that disposed of his curative petition. But now, as legal options seem to have ended, the 22-year-old battle for justice seems to be coming to a conclusion. Vikas Sarthi, Newsnight Desk, DD News. For more on this, I'm joined by our guest tonight. Joining me is our correspondent Vikas Sarthi. He's been tracking the developments in the case earlier on the whole day. Also joining me are two advocates, Mr. Prashant Kumar. He's joining us in the studios this evening. Also joining me is Mr. Lakshman Kanan. He's joining us from Mumbai. Vikas, if I can come to you first. Supreme Court has rejected Yakub Memon's petition, saying that legal processes were correctly followed. Put this into perspective for us. Give us more details. What were the observations made by the Supreme Court today in the case? Well, Nancy, after yesterday's split verdict, this matter was referred to a three judges bench, and today Supreme Court heard this matter from 10:30 in the morning to up till 4 p.m. in the evening, and all opportunities were given to the counsel of Yakub Memon, and there were some other people who were intervening. They have other applications. They were also given opportunity to argue on behalf of Yakub Memon. But after hearing all the arguments, Supreme Court held that there was no illegality in the death warrant issued by Tada Court. And as far as the other two technical issues are concerned, whether when the petition is pending before the governor or president, can Yakub Memon be hanged or not? Supreme Court said that it is totally extrajudicial issue. Supreme Court has decided the matter, and now it is for the executive to take a decision on his mercy plea. So there is no legal binding on the Supreme Court. Supreme Court cannot stay the execution. There is no provision. The whole legal process come to an end when the review petition and curative petition was dismissed by the Supreme Court. So the other ground was also dismissed by the Supreme Court, and now Yakub Memon has last hope that President will take a decision on his mercy plea. Earlier also in April 2014, President Pranab Mukherjee dismissed his mercy plea. This is second time that he has filed a mercy plea before the president, and president will take an appropriate step and jail authorities will be informed of the decision. As far as the other arguments are concerned, these three are the main arguments: that whether the death warrant is correct or not, whether constitution of the bench which heard curative petition has followed all the principles of natural justice or not. So these issues were heard by the Supreme Court, and Supreme Court found that all these things have been addressed and there is no illegality in death warrant issued by the Tada Court. All right, Vikas, request you to please continue being with us. Mr. Prashant Kumar, if I can come to you now. All the technicalities involved, we saw the curative petitions and the review petitions, and now second mercy petition pending with the president. All those technical aspects, the technicalities in the case have now been answered today with the Supreme Court's verdict. See, first of all, I will not call them mere technicalities, mm-hmm. because these are part of the procedure. And Article 21, which protects right to life and personal liberty, which cannot be taken away except by procedure established by law. So procedure is both substantive and procedural. So if till last moment, till the last breath, some kind of remedy is available, whether it is procedural, technical, it is to be exhausted, and our judicial system is liberal to grant all those opportunities to an accused, especially on the death. Right. So now, today, with Supreme Court finally deciding that with the decision on the curative petition, nothing which lies in the judicial process is any longer available.
So the final thing is now the mercy petition, which is pending with the president, which is also, mercy petition after the rejection of the curative petition. All right, Mr. Kanan, if I can come to you now, would you say that fair trial was given to Yakub Memon, the convict in the 1993 Mumbai blast case? He has exhausted, he has used all the legal options available to him. A fair trial given there to Yakub Memon? You see, this case is a very detailed and serious case. Mm. Where about 257 people were died, and about 1,500 people were seriously injured. Mm. Several families were crippled, you can say. The lifeline of Mumbai was paralyzed. And in spite of that, court has given ample opportunity by examining minutely each and every witness, where it took about 22 years to complete the trial. And by considering each and every aspect, court has given this conclusion. Mm-hmm. And it's after minutely considering, court has given verdict according to their role of each and every accused. Right. That whatever the number of accused, those are absconding, and number of those who are present before the court, they have considered their each and every individual role. And some of them are convicted, some of them are acquitted also. So court has minutely considered individual role about that. And being in a democratic country like India, we have constitutional rights. We give ample opportunity to each and every accused. And each and every accused has given right to be heard. And judicial authorities are taking proper note of it, and they are considering each and every aspect of the concerned person. And opportunities are given till this last execution. What Mr. Prashant has told right now, he has rightly pointed out that till execution that opportunity has been given. And subsequently, after considering all the aspects, whether the accused person has a right to make an application, but whether that those applications have any merits or no, that is a secondary issue. But still, he has a right to make all such applications. And today, the application is absolutely at the last stage before the president. And just a decision of president is now final, and thereafter there will be no option left out for the execution in further. All right. Mr. Kanan, also would you say that with the verdict coming in from the Supreme Court today, this has brought a sense of closure to the victims of the 1993 blast? It's justice done, yes, to those bereaved families who lost their near and dear ones? Yes, yes. The justice, the court has considered the aspect. Whatever the aspects, they were pointed out before the court. It was pointed out before the two bench judge. Again, it was referred those proceedings before the three bench judges. And those aspects which were pointed out, those are considered at this stage. And minutely, after considering those aspects, the court has given this verdict. And the arguments and the consideration was at a length. After considering all those minutely aspects, the conclusion is given. All right, Mr. Kanan, request you to please continue being with us. Mr. Kumar, if I can come back to you once again. Supreme Court has dismissed Yakub Memon's plea. Maharashtra governor has also rejected the mercy petition of Yakub Memon. The Supreme Court today also said that the death warrant against him does not violate any fundamental right. Yes, because, there were certain issues raised which said that, whether in April, when the death warrant was issued, his curative petition was still pending. Right. So that being so, whether it was legal and appropriate and whether it was validly issued. So the Supreme Court's view is that curative petition is one of the rarest remedies, and its pendency as such could not have come in the way of a death warrant being issued, because review petition is by itself a final stage, and curative petition is for the rarest occasions. So all these objections have now been held to be not tenable, and that's why the Supreme Court has said that we cannot interfere. Every single judicial process which the accused was entitled to has been exhausted, and there is no further remedy which can be availed from the judicial forum.
Right. So now with the decision coming in from the Supreme Court today, after all these long years that, you know, we've been seeing the blast happen, the attacks happened in 1993 to 2015, it is today. Yakub Memon's fate has been sealed. The news around Yakub Memon has tightened now. Yes, of course. As far as, see, once there is a penalty, which is death penalty, it exists on the statute book. By following the due procedure under law, all the judicial processes, it has been awarded. Now, it is to uphold the law that it must be carried to its logical conclusion. Mm-hmm. So now, with all the judicial processes being exhausted and only a last mercy petition being pending with the president. Second mercy petition, because this mercy petition is that the last judicial right has also been exhausted. Still, can mercy be given to me? So it's the last plea. It is before the president, and the court says that what kind of notice the president of India takes of it is, it cannot be a ground, with all other options which were available being exhausted, for the court to stay the execution. All right, Mr. Kumar, thanks very much for joining us. I would also like to thank our another guest, Mr. Kanan, as well as Vikas Sarthi, our correspondent. Thanks all of you for joining us this evening and sharing all those details and perspective. Thanks very much. We're going in for a short break at this point, returning with more.